नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। सो जल्दी से स्टार्ट। फर्स्ट स्टॉक जो मैं लेकर आया वो है अजंता फार्मा। आप यहाँ देख सकते हैं अजंता फार्मा का डेली चार्ट ओपन है। एंड फर्स्ट मैं आप लोगों को चार्ट से एक्सप्लेन कर दूँ कि अजंता फार्मा में हमें क्या दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो ऊपर एक जोन बना हुआ है, इस जोन को हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी कि आप जब हमें स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं सो प्लीज़ एक्सप्लेन जो आप चार्ट्स पे बनाते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, कि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे और हमें कुछ सीखने को भी मिले। सो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम जाएगा, डेफिनेटली एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यू पर सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन का मतलब ये होता है कि जहाँ से प्रेशर आता है सप्लाई का, सप्लाई इन द सेंस रेजिस्टेंस। सो आप देखते थे जब भी स्टॉक इस रेंज के अंदर आता था, इस जोन के अंदर आता था, हम लोग एक सेलिंग देखने को मिल जाती थी। इस पर्टिकुलर ब्लू जोन को हम लोग कहते हैं डिमांड जोन, जहाँ पर डिमांड आती है एक स्टॉक की। आप देखते हैं कि जब भी स्टॉक इस लेवल पर आता था एक डिमांड आ जाती थी और इस प्राइस को वो पुश बैक करके ऊपर लेकर चले जाता था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी अपने सारे लोस को ज्वाइन करते हुए, तो हम लोगों ने देखा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद एक ग्रीन कैंडल ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। आज के दिन भी इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। सो प्रोबेबली ये वीक हो गया है, ये डिमांड जोन वीक हो चुका है। अगर ये लेवल, ये वाला लेवल अगर ब्रेक करता है, मतलब 1526 का लेवल अगर ब्रेक करता है, सो या वी कैन गो फॉर अ शॉट इन अजंता फार्मा। बट अगर ब्रेक नहीं करता और वो दोबारा ऊपर जा रहा होता है तो हम लोगों को वेट करना है, बाय की पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो भी है, बट तब भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल उसके पास होल्ड कर रहा है और ये जैसी ब्रेक होगा उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो ये हमारे लिए शॉर्ट कैंडिडेट है। अगर ये रिवर्स कर रहा होगा तो हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज लिंकन, या सो ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा में आप लोग यहां देख सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू, या सो ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये दोनों डिमांड जोन है, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं डिमांड जोन, क्योंकि जब भी शेयर इस रेंज के अंदर आता है तो एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो जाता है। जब भी इधर आता है एक बाइंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, एंड सिमिलर इधर आया एंड बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने जो एक कैंडल बनाई है रेड कलर की, इट्स अ बुलिश हैमर कैंडल, उसके ऊपर सस्टेन करी एंड प्रीवियस जो दो कैंडल थी उसका 50% को क्लोज करके ऊपर जाके बंद हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसने एक एन टाइप पैटर्न बना दिया है। अब ये जैसी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, मतलब 231.5 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, सो वी कैन सी अ गुड लेवल्स और टारगेट्स जो मिल सकते हैं, ये वाले लेवल्स मिल सकते हैं, ये जो कि 240 के आसपास आ रहा है। सो प्रोबेबली ये 240 के आसपास तक भी लिंकन जा सकता है, बट वेट करिए 231.5 को क्रॉस होने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मैंने आप लोगों को परसों प्रोवाइड करवाया था जब ये कुछ इस लेवल पर था, ये वाली कैंडल पे, और आई सजेस्ट यू इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिए क्योंकि दो दिन तक ये हॉल्ट कर रहा है। सो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ब्रेकआउट देगा और प्रोबेबली आज के दिन इसने ब्रेकआउट दे दिया था। एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था जिसे क्रॉस नहीं कर रहा था, एंड जब क्रॉस करा तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसने क्रॉस करा है। अब आप देख सकते हैं एक माइनर रेजिस्टेंस है जो कि यही लेवल पे निकल के आ रहा है। सो अगर ये 2195 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5 मिनट भी, तो यहाँ पर हम लोग एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बट 2195 के ऊपर क्लोजिंग इज मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज FSL। ये भी मैं बहुत पहले आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ और एग्जैक्ट उसी लेवल पे आ चुका है, पहले ब्रेकआउट नहीं दिया था इसने, सो अभी एग्जैक्ट उस लेवल पे है तो हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। या सो ये पर्टिकुलर स्टॉक है, नो ये तो यहाँ के नहीं है, या सो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है। आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, एग्जैक्ट इस टाइम पे आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो प्रोबेबली जब भी इधर आता है ये ब्रेक नहीं कर पाता इस लेवल को एंड रेजिस्टेंस फेस करने को हमें मिलता है। बट जिस तरीके से अब लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई, ये देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम, एक कप एंड हैंडल बॉटम टाइप इसने फॉर्मेशन बनाया है, एंड जैसे इसका ब्रेकआउट देगा सो वी कैन सी अ गुड लेवल्स।
अगर थोड़े बहुत आप लोग रिस्क ले सकते हो तो आप लोग कल भी इस पे बाय बना सकते हो अबव 74.5। बट अगर आप लोग सेफ ट्रेडर हो और अगर आप लोग सेफली खेलना चाहते हो तो आई सजेस्ट अगर 75 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है देन ओनली यू गो फॉर बाय। ओके, अगर 75 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली आपको 80 रुपीज तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं एट अ मैटर ऑफ टाइम। बट 75 क्लोजिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रेड ले रिस्क ले सकते हो सो आप लोग 74.5 पे भी बाय इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट स्टॉक इज जुबिलेंट, जुबिलेंट लाइफ साइंस। या लेट मी जूम दिस स्टॉक। आप यहां देख सकते हो कि एक स्ट्रांग रैली आई, उसके बाद ये एक रेंज के अंदर जा चुका है एंड रेंज के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से ये रिवर्स कर रहा है एंड इसने अपने प्रीवियस अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं लिया, वहीं से बाउंस कर रहा है। बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, अगर हम लोग जूम करते हैं तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर इसने एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बनाया है। ठीक है, एंड एग्जैक्ट इस लेवल से रिवर्स कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं अबव 700। अगर 700 के ऊपर 5 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज कर जाती है सो या वी कैन गो फॉर अ बाय इन जुबिलेंट लाइफ साइंस। ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट निफ्टी। तो मैंने आप लोगों को कल वीडियो पे कहा था और बहुत ध्यान से कहा था और 10 बार बोला था कि निफ्टी पे बाय नहीं करना, निफ्टी पे बाय नहीं करना, कल हमें सिर्फ शॉर्ट करना है निफ्टी को और अगर वो बाय जा रहा होगा तो भी हम लोग बाय इनिशिएट नहीं करेंगे। और लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक वंस अगेन। ठीक है, मैं एक बार और लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना था, जस्ट वेट, ये आप देख सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है एंड फ्लैग पैटर्न का जब भी ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था सो आप देख सकते थे इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। एंड आई टेल यू कि टारगेट्स जो फ्लैग पैटर्न के आइडेंटिफाई होते हैं वो वेरियस तरीकों से फाइंड हो सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं फाइंड करने के लिए, बट जो मेरा फैक्टर है और उसी के हिसाब से हम लोग देखें सो एग्जैक्ट कल के दिन इसने 1.618% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करा था। एंड आई टेल यू, और मैंने आपको कहा था, टोल्ड यू कि इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, आपको शॉर्ट करना है, आपको 12,780 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट रखनी है और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग वहां से एग्जिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 12,690 तक गया और प्रॉबेबली क्लोजिंग इसने यहां तक दिया है बट इसका जो लो था वो था 12,620 तक का। ओके गाइस, सो आई टोल्ड यू कि मैंने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए एंड एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, क्योंकि अगर आप चार्ट से चलेंगे तो बिल्कुल तरीके से, अगर मार्केट पूरे टाइम अप ट्रेंड में थी बट ये जो फर्स्ट रेड कैंडल थी ये हम लोगों ने और आपकी मदद से आइडेंटिफाई करी है, तो थैंक्स टू यू एवरीवन। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें सो बैंक निफ्टी पे भी आप लोगों को मैंने एक सेलिंग प्रेशर बताया था, ऑलरेडी टोल्ड यू कि बैंक निफ्टी पे आपको जो 71.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है वो मंथली चार्ट के अंदर बना था। लेट मी जस्ट शो यू मंथली चार्ट। अगर मैं ओपन करता हूं सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है, अगर इसमें हम एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो उसका 0.786 का रिट्रेसमेंट लेवल को उसने टेस्ट करा था कल, बैंक निफ्टी ने कल उसको टेस्ट करा था। सो उस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आना इज मस्ट। सो अगर मैं आपको डेली चार्ट पे लेकर चलता हूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। आप देखिएगा इसने यहां पर कल टेस्ट करा था और हम लोगों ने आपको उसी टाइम बोल दिया था बैंक निफ्टी पे कि आप बैंक निफ्टी पे शॉर्ट करना है और बैंक निफ्टी में आपने शॉर्ट करा था तो आप ऑल 500 पॉइंट्स अर्न करके चले जाते हैं। सो इट्स अप टू यू, माय जॉब इज टू एक्सप्लेन यू, टेल यू, आइडेंटिफाई फॉर यू द स्टॉक्स, बट इट्स योर टू टेक ट्रेड्स। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द, मैंने आपको लेवल्स बताया, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करा, अब आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को यहां से ट्रेड लेना है। ठीक है, सो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको अपने हिसाब से ट्रेड लेना है एंड डेफिनेटली इफ यू, अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आप मार्केट पे सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टॉक्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, अब आपकी ड्यूटी है इसको दोबारा एक बार चेक करना एंड कल मार्केट पे ट्रेड लेना। सो गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल इंटरेस्टिंग वीडियो पे, कल मैं चार्ट ऑफ द वीक लेकर आऊंगा एंड प्लीज बी अपडेटेड। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप लोग न्यू कमर्स हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और कल जो मेरी चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो आएगी सो आई डेफिनेटली आपको वो मेल और आपके नोटिफिकेशन ऐप में शो कर जाएगी। सो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस कैसी लग रही है। सो आई विल मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज़।